हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बसंत ऋतु चल रहा है, होली का बड़ा सुहाना मौसम चल रहा है, तो आप सभी इस नए वर्ष के सुअवसर पर होली धमाका ऑफर का लाभ उठाएं। 50% तक की छूट है और आप सभी, बहुत सारे कॉल आते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। भाई, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे भी सुना करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि बिना फीस, अगर आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं तो फालतू में अपना भी टाइम खोटा करना और सामने वाले का भी कोई मतलब नहीं बनता है। दुनिया अपने अपने विद्या के माध्यम से 10 रुपया कमाने का प्रयत्न करती है। ऐसा नहीं है कि हम एक अकेला व्यक्ति हैं और हमें आपसे कोई लालच है, वो भी बात नहीं है। भगवान करे आपका भला हो, खूब अच्छे से आपको हर चीज़ मिले, हमारे बताने से और आपका बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्री में उम्मीद करें हमसे। तो कुंडली दिखाने का फीस जो 2100 रुपया है, हमने खुद अभी होली के अवसर पे इसको 1100 कर दिया है। तो अगर आप अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, अपने लाइफ के लिए सीरियस हैं और वास्तव में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करें और हमारा फीस हमारे अकाउंट में जमा करके फिर आप हमसे फ़ोन पे बातें कर सकते हैं। ऐसे फालतू की बातें नहीं, ठीक है। तो चलिए, हम आज अपने प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, है ना। आज का हमारा प्रकरण है व्ययेश भाव फलम। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के 17वें अध्याय में हम लोग भावेश फलाध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अगर कोई ग्रह प्रथम भाव का मालिक है तो वो किस घर में, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किस घर में बैठा है तो किस तरह का फल जातक को देगा, इस विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो 1 से लेकर के और 11वें भाव के भावेश के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं। 11वें भाव का मालिक ग्रह कहाँ पे बैठा होगा तो क्या फल देगा, इस विषय में हम लोग अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे व्ययेश भाव फलम, यानी 12वें घर का मालिक किस घर में बैठेगा तो किस तरह का क्या फल देगा आपको, शुभ अथवा अशुभ, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ें। उससे पहले आप लोगों को बतला दूं, प्लीज लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses। एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस है। एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, माई ट्विटर हैंडल इज @astroclasses। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, है ना। आप जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर डे कोई ना कोई नया वीडियो आपको अगर डाला जाए यहाँ से तो आपको मिल जाए, डायरेक्ट आपके यहाँ चला जाए आपके ईमेल अकाउंट में उसका नोटिफिकेशन। इसलिए आप, अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हों तो कम से कम आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप मेरे वेबसाइट और ब्लॉग पे विजिट करें, वहाँ पे इस तरह के आपको तरह तरह के आर्टिकल, टिप्स एंड ट्रिक्स और उसके अलावे टोने टोटके वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन, सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु, ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का सलाह लेने अथवा वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का सलाह लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं @69052111। बट उसके पहले आप मात्र इंक्वायरी के लिए इस पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको सजेशन लेना हो तो आप
फीस मेरे अकाउंट में डालने के बाद आप कॉल करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने आज के प्रकरण की ओर बढ़ते हैं, व्ययस भाव फलम की ओर। ठीक है मित्रों, महर्षि पाराशर कहते हैं कि व्यये से मदने लगने जाया सौख्यम भवे न ही, दुर्बल कफरोगी च धन विद्या विवर्जितः। कहते हैं कि व्ययेश यदि मदन अर्थात सातवें घर में और लग्न अर्थात फर्स्ट होम में, ठीक है, ट्वेल्थ होम का मालिक अगर फर्स्ट अथवा सेवेंथ होम में बैठा हो तो ऐसे जातक को स्त्री का सुख नहीं होता है। ठीक है, जाया सौख्यम भवेन न ही, है ना, इसको जाया सौख्य अर्थात पत्नी का सुख नहीं मिलता है, और जातक जो होता है वो दुर्बल होता है, कफ रोगी होता है एवं धन विवर्जित, धन विद्या विवर्जित, कहते हैं धन एवं विद्या दोनों से हीन होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है, महर्षि पाराशर कहते हैं कि व्ययेसे च धने रंध्रे विष्णु भक्ति समन्वितः धार्मिकः प्रियवादी च संपूर्ण गुण संयुतः। मित्रों, महर्षि पाराशर कहते हैं कि व्ययेश यदि धन भाव में अर्थात दूसरे घर में, रंध्र अर्थात आठवें घर में, ठीक है, अगर व्ययेश आपकी कुंडली में बारहवें घर का मालिक आपकी कुंडली में अगर दूसरे घर में अथवा आठवें घर में बैठा हो तो ऐसा जातक भगवान नारायण का, विष्णु भगवान का भक्त होता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, प्रियवादी होता है और संपूर्ण गुण संयुतः, हर प्रकार के गुणों से युक्त होता है, गुणवान होता है। मित्रों, महर्षि पाराशर अपने अगले श्लोक में कहते हैं कि भार्या द्वेषी प्रिय द्वेषी गुरु द्वेषी भवेन नरः, व्ययेशे सहजे धर्मे शरीरस्य पोषकः स्वशरीरस्य पोषकः। कहते हैं कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में बारहवें घर का मालिक यदि तीसरे घर में अथवा नवें घर में बैठा हो तो वो जातक केवल अपना शरीर पोषण करने में ही विश्वास रखता है, अपने अलावा उसको किसी दूसरे की चिंता नहीं होती है, और ऐसा व्यक्ति भार्या द्वेषी है ना, बताओ, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से भी द्वेष करता है, औरों की तो बात छोड़ो, जो इसके प्रियजन होते हैं ना उनसे भी इसके मन में द्वेष रहता है, और गुरु द्वेषी, यहाँ तक कि ये अपने से बड़े बुजुर्ग विद्वान ब्राह्मण गुरु किसी को नहीं छोड़ता है, सबके साथ मन में ईर्ष्या और द्वेष रखता है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, और वो ऐसा व्यक्ति है, उसकी कुंडली शायद मेरे पास होगी लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा, तो मैं उसको दिखा देता, है ना, चलिए इन सब बातों में फंसने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका व्ययेश तीसरे अथवा नवे घर में बैठा हो तो ये अपनी पत्नी का भी नहीं होता, अपने प्रियजनों का, अपने गुरुओं का भी नहीं होता है, है ना, केवल अपना शरीर पोषण करना ही इसकी जो है प्रधानता होती है। ठीक है, तो चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि पुत्रहीनो महादुखी तीर्थाटन परो भवेत कृपणो रोग युक्तश्च व्ययेशे च सुते सुखे, है ना, यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में उसके बारहवें घर का मालिक पांचवें अथवा चौथे घर में बैठा हो तो वो व्यक्ति संतान से हीन होता है, है ना, और तीर्थ यात्रा खूब करता है। एक ऐसा भी है, एक ऐसा भी जातक है, सभी तीर्थों में जाता है और उस तीर्थों के पंडे पुजारियों से झगड़ा जरूर करता है, झगड़ा करके आता है, उनका कुछ पैसे भी खा जाने का प्रयत्न करता है,
और तीर्थ यात्रा खूब करता है और संतानहीन तो है ही, और वो अपने आप को सुखी समझता है, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है। चोरी करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है, वो कोई भी हो, है ना, कलेक्टर को भी चूना लगाने का प्रयत्न करते रहता है। और इस चक्कर में जब फंसता है तो हमारे पास आता है रोते हुए, गुरुजी बचाओ, है ना। ऐसा एक व्यक्ति है, महान कंजूस, और इतना मोटा भैंसे की तरह है, चर्बी तो है उसके शरीर में, है दुनिया भर के रोग भी पाल के रखा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में उसका व्ययेश यानी 12वें घर का मालिक चौथे अथवा 5वें अथवा चौथे घर में बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति पुत्रहीन होता है, दुखी होता है, रोगी होता है, कंजूस होता है, तीर्थ यात्रा भी करता है, ठीक है। अगले श्लोक में महर्षि पाराशर कहते हैं कि व्यये से अरि व्यये पापी मातु मृत्यु विचिंतक क्रोधी संतान दुखी च परजाया सुलंपट। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में 12वें घर का मालिक छठे अथवा 12वें घर में बैठा हो, तो ये व्यक्ति पापी होता है। मातृ मृत्यु विचिंतक, ये ऐसा ही सोचता है कि मेरी माँ कब मर जाए, अथवा कोई भी बुजुर्ग औरत को देख करके ये खुश नहीं होता है, है ना, अथवा अपने किसी भी शुभचिंतक, माँ का मतलब तो माँ से बड़ा शुभचिंतक इस संसार में कौन होता है। तो जो व्यक्ति अपनी माँ के लिए भी मृत्यु की कामना करता हो वो किसका हो सकता है, है ना। तो मातृ मृत्यु विचिंतक, ये व्यक्ति महान पापी होता है, अपनी माँ के ही मरने का कारण बनता है और माँ के मरने के बारे में सदैव सोचता रहता है कब मरेगी। क्रोधी, क्रोधी तो होता ही है, संतान दुखी, संतान भी इसको नहीं होता है, पर जायासु लंपट, केवल पराई स्त्रियों के लिए ये जो है लंपट होता है, सोचता है कि कौन सी स्त्री कैसी लगती है, कहाँ दिखती है, उसके पीछे ही रहता है, ठीक है। कहते हैं महर्षि पाराशर की व्यये से दसमे लाभे पुत्र सौख्यम भवेन्न ही मणि माणिक्य मुक्तादि धत्ते किंचित समालभेत। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में व्ययेश दसम भाव में अथवा 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को संतान नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति संतानहीन होता है, ठीक है। और मणि माणिक्य आदि के होते हुए भी अत्यंत धनवान, मणि माणिक्य मुक्तादि, है ना, अर्थात अत्यंत धनवान, है ना, अत्यंत धनवान होने के बाद भी, है ना, धत्ते किंचित समालभेत। कहते हैं कि यह सुख से हीन होता है, इसके जीवन में सुख नहीं होता है। मणि माणिक्य मुक्तादि, है ना, धन धान्य से परिपूर्ण होने के बाद भी ये व्यक्ति सुखी नहीं होता है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि एतत्ते कथितं विप्र भावेशानां तु यत् फलं बला बल विवेकेन सर्वेषां फलमादिशेत, है ना। कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, महर्षि पाराशर कहते हैं कि हे ऋषियों, ये सब मैंने भावेशा नाम तु यत फलम, भावेशकों के सभी भाव के भावेशों के फल इस प्रकार मैंने आप लोगों को बतलाया है। तो बला बल विवेकेन, ग्रहों के बल के अनुसार ये सारे फल जो है कहे गए हैं। अब आपको भी देखना है, अगर आप ज्योतिषी हैं अथवा ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ग्रहों के बला बल के विषय में जानना होगा कि कौन सा ग्रह कितना बलवान है,
कितने डिग्री तक कौन सा ग्रह बलवान होता है, वो उतने डिग्री में है या नहीं है, कोई ग्रह अस्त है अथवा शत्रुग्रही है अथवा बलवान है अथवा सम अवस्था में है अथवा मृत अवस्था में है, इस बात का विचार करने के बाद ही उसके फल के विषय में कहना चाहिए, ठीक है ना। और उसी के आधार पे ये फल महर्षि पाराशर कहते हैं कि मैंने बतलाया है। चलिए इनके अंतिम निर्देश को देख लेते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि ग्रहे पूर्ण बले प्राप्ते फलम पूर्णम समाधिशेत, अर्धम अर्ध बले प्राप्ते हीने पादम समाधिशेत, भावानाम द्वादशानाम च सर्वेशाम फलमाधिशेत, उक्तम भावस्थितानाम च भावेशानाम फलम मया। कहते हैं कि हे ऋषियों, ग्रहे पूर्ण बले प्राप्ते फलम पूर्णम समाधिशेत, जो ग्रह पूर्ण बलवान होगा वह पूर्ण बली हो तो पूर्ण बल, मध्य बली हो तो आधा फल और हीन बली हो तो चतुर्थांश फल देता है। जैसे मान लो इन्होंने कहा कि व्यय से दसवें लाभ है, अब अगर बारहवें घर का मालिक दसवें घर में बैठा हो या फिर ग्यारहवें घर में बैठा हो तो इस व्यक्ति को पुत्र सौख्यम भवे न ही, ठीक है, इसको संतान का सुख नहीं होता है, ठीक है, बहुत प्रकार के धन इसके पास उपलब्ध होते हैं लेकिन फिर भी सुखी नहीं होता है। अब ये कब होगा, जब व्ययेश दसवें घर में बैठ करके पूर्ण बलवान हो तो ये समूचा संपूर्ण फल जो है उस जातक को मिलेगा। लेकिन कहते हैं यहाँ पे कि अर्धम अर्ध बले प्राप्ते हीने पादम समाधिशेत, कहते हैं कि अगर आधा है ना, अगर आधा बल में मध्य बल में होगा यानी बलवान पूरा नहीं होगा, सम स्थिति में होगा, तटस्थ होगा, तो ये फल जो है वो आधा हो जाएगा, यानी कि 50% चांसेस हैं कि उसको संतान हो सकता है, ठीक है ना। और कहते हैं कि हीने पादम समाधि से, ठीक है ना, अगर वो बिल्कुल निर्बल हो तो फिर ये फल जो है वो शून्य हो जाता है, अर्थात व्ययेश दशम भाव में बैठ करके भी व्यक्ति को इस प्रकार की हानि नहीं कर सकता, यानी उसके संतान सुख को बाधित नहीं कर सकता है। यानी ये केवल और केवल दशम भाव में बैठने से ही ऐसा फल नहीं देगा। यहाँ स्पष्ट रूप से महर्षि पाराशर कहते हैं कि जो ग्रह जितना बलवान होगा उसके अनुसार ही उसका उसके फल का चिंतन करना चाहिए। भावानाम द्वादशानाम च सर्वेशाम फलमादिशेत, द्वादश भावों के फल इसी प्रकार जो है आप निकाल सकते हैं। उक्तम भावस्थितानाम च भावेशानाम फलम मया, है ना। कहते हैं कि ये सारे बात जो हमने बतलाए हैं, जिस जिस घर में जो भावेश बैठा हो, जिस भाव का मालिक जिस घर में बैठा हो, उस प्रकार का फल वो उस जातक को प्रदान करेगा, ठीक है। इति बृहत् पाराशर होरायाम पूर्वखंडे सुबोधिन्याम भावेश फलाध्याय, ठीक है। तो यहाँ ये भावेश फलाध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसके आगे है ना, इसके आगे हम महर्षि पाराशर के विचारों के अनुसार, जिसकी आप लोगों को या हर एक फलित जो ज्योतिषी हैं, जो फलादेश करते हैं किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख करके, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय अब आगे शुरू होने वाला है, नाभस आदि योग अध्याय, ठीक है ना। 18वां अध्याय जो है वो नाभस आदि योग, जिसमें जितने योग हैं, है ना, महर्षि पाराशर योगों के विषय में वर्णन करते हैं, ठीक है ना। दल योग, आकृति योग और 20 प्रकार के आकृति योग होते हैं और संख्या योग 7 प्रकार के होते हैं, हाँ। तो इस प्रकार जो है दो प्रकार के ना, 3 प्रकार के आश्रय योग होते हैं, ठीक है,
और जिसका भेद 1800 है, ठीक है ना। रज्जू, मुसल, नल ये आश्रय योग होते हैं, माला और सर्प ये दल योग होते हैं, गदा, शकट, श्रृंगाटक, पक्षी, हल, वज्र, यव, कमल, वापी, यूप, सर, शक्ति, दंड, नौका, कूट, छत्र, धनुष, अर्धचंद्र, चक्र, समुद्र, ये 20 जो हैं वो आकृति योग हैं। बीड़ा, दाम, पास, केदार, शूल, योग, गोल, ये 7 योग जो हैं वो संख्या योग हैं। ये सब मिलकर के 32 नाभस योग कहे जाते हैं। और इनके लक्षण जो हैं वो इनके लक्षणों का मैं वर्णन अगले अपने अध्याय में शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो हम अध्याय 18वें के 7वें श्लोक से शुरू करेंगे अपने अगले प्रकरण को, जिसमें आश्रय योग के लक्षण है ना, और दल योग के लक्षण, विंशत्यादि कृति योग के लक्षण, और ये सब जो है हम आपके लिए वर्णन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप प्लीज हमारे फेसबुक के ऑफिशियल पेज को लाइक करें, facebook.com/astroclassesandhastroclasses, ये ट्विटर हैंडल है, इसको आप फॉलो करें, एंड यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, और वेबसाइट एंड ब्लॉग पर विजिट करें, यहाँ आपको तरह तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशंस, आप हमें जो है अपने ज़िंदगी के प्रति अगर सीरियस हैं आप, और आप चाहते हैं कि सलाह लेकर के कुछ जीवन में करें अथवा अपने दुखों से मुक्ति पाएं, तो एग्जैक्ट फल जो आपकी कुंडली का है वो हम आपको देने का प्रयत्न करेंगे, और उसके समाधान भी बतलाएंगे। प्रश्नों के प्रकरण में कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आप एक प्रश्न पूछेंगे या दो प्रश्न पूछेंगे। सिर्फ 1100 रुपया दक्षिणा है, अब भी चल रहा है होली में, तो आप 1100 रुपया हमारे अकाउंट में डाल करके उसका रसीद आप हमको व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ये नंबर व्हाट्सएप पे उपलब्ध है। आप इस नंबर पे, एक व्हाट्सएप ग्रुप है स्ट्रोक क्लासेस का, ठीक है, तो आप इससे जुड़ने के लिए भी हमें अपना नंबर, नाम, पता लिख करके कि हमें ग्रुप में ऐड करें, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पर अपना रसीद, पैसा डाल करके अकाउंट में दक्षिणा और रसीद हमें अगर आप भेजेंगे, तो हम कंफर्म होने के बाद में आपको टाइम दे देंगे कि इस टाइम पे आप फ़ोन करके आप जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई एक सवाल नहीं। तो चलिए, आज का हमारा प्रकरण पूर्ण हुआ। अगर आप हमें मिलना चाहते हैं तो हमारा पता ये दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है, यूटी, ये केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है, सिलवासा में हम रहते हैं। सिलवासा में एक बहुत बड़ा मंदिर है, गायत्री मंदिर। गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में हमारा ऑफिस है, बालाजी एस्ट्रोलॉजी सेंटर, ये आमली मंदिर फलिया में है। मेन रोड पे बहुत बड़ा बोर्ड लगा है गायत्री मंदिर के जस्ट बाजू में, ठीक है। तो आप मुंबई से आते हैं तो मुंबई और सूरत के बीच में एक वापी स्टेशन है, मुंबई से करीब 100 किलोमीटर के आसपास है, और सूरत से भी लमसम 100 किलोमीटर के आसपास, 100 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। तो सूरत से अगर मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेन पे आप बैठते हैं तो सीधा वापी आप उतर जाएंगे। वापी से बहुत नज़दीक है, 15 किलोमीटर, वहाँ से दुनिया भर का रिक्शा मिलता है, आप सीधा सिलवासा आएंगे, सिलवासा में गायत्री मंदिर के नज़दीक। लेकिन टाइमिंग जो है हमारा, हमारे ऑफिस में बैठने का टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक का है, ठीक है। तो अगर आप सिलवासा, वापी, वलसाड़, दमन इधर कहीं रहते हैं तो आप शाम को भी आ सकते हैं, और दिन में तो मुंबई से लोग आते हैं, और सूरत से, अहमदाबाद से, दूर दूर से लोग जो है, बड़ौदा से ज़्यादातर लोग आते हैं हमारे पास, ठीक है, पुणे से आते हैं, नासिक से आते हैं लोग, तो दिन में
आप अगर दूर रहते हैं तो दिन में आ सकते हैं 10 बजे से 1 बजे के बीच में, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा दूर से आप आ रहे हैं तो हमें आप फ़ोन करेंगे तो हम आपके लिए स्पेशल टाइमिंग भी, तिरुपति बालाजी मंदिर के पास हमारा निवास स्थान है, मंदिर में ही हम आपको टाइम वहाँ दे देंगे, ठीक है। तो आप अगर मिलना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, नहीं तो आप पहले फीस जमा करके, सलाह ले करके क्या करना है। हमारे पास वेद विद्यालय है, बहुत सारे बच्चे हैं वेद पाठी, जिनके साथ मैं स्वयं बैठ करके आपकी विधि, आपका उपाय भी करवा दूंगा अगर ऐसी व्यवस्था हुई तो, ठीक है। तो आप सुखी रहें इसी कामना के साथ। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक्स।